दोस्तों अभी अभी इंडियन आइडल सीजन 13 और रितु रीवा को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि रितु रीवा ने इंडियन आइडल सीजन 13 पर केस कर दिया है और इंडियन आइडल सीजन 13 के सेट पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची है। हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है इंडियन आइडल सीजन 13 को लेकर। चलिए आपको बताते हैं कि मुंबई पुलिस की टीम इंडियन आइडल सीजन 13 के सेट पर क्या करने आई है और रितु रीवा ने क्या सच में ही केस कर दिया है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपके प्यारे सिंगरों की सभी रिलेटेड खबरें सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों आप जानते हैं कि इंडियन आइडल सीजन 13 में रितु रीवा को बाहर कर दिया था। हाँ दोस्तों, टॉप 15 में एंट्री नहीं दी थी रितु रीवा को। इसी के चलते दोस्तों मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि रितु रीवा को लेकर बहुत सारी फेक अपडेट बताई जा रही हैं। दोस्तों ऐसी ही एक खबर मैंने देखी थी जो कि दोस्तों सोशल मीडिया पर पड़ी हुई थी कि रितु रीवा ने इंडियन आइडल सीजन 13 पर केस कर दिया है। हाँ दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 पर केस कर दिया है, जजेस पर केस कर दिया है रितु रीवा ने। दोस्तों हम आपको बता दें कि रितु रीवा ने इंडियन आइडल सीजन 13 पर कुछ भी केस नहीं किया है, जजेस पर कोई भी केस नहीं किया है, बल्कि दोस्तों सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैल रही हैं जो कि दोस्तों रितु रीवा के बारे में। तो दोस्तों रितु रीवा ने इंडियन आइडल सीजन 13 पर केस नहीं किया है और दोस्तों जल्द से जल्द इंडियन आइडल सीजन 13 में रितु रीवा वापस आने वाले हैं। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे रितु रीवा के लिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताओ।